हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू फूल की पकौड़े रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के पहले मैं जो कद्दू फूल दिखाया आप लोगों को, वो देखने में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पकौड़े रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्रिस्पी करके बनाना नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस पकौड़े रेसिपी को कैसे क्रिस्पी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, और टाइम वेस्ट ना करके चलिए आज का रेसिपी देख लेती हूँ। फूल को तो तोड़ लिया, अभी हम एक चाकू से फूल के पीछे वाले जो ग्रीन पोर्शन है और उसके साथ येलो पोर्शन आते हैं, उसको काट के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी हम पकौड़े की बैटर तैयार कर लेती हूँ। बैटर तैयार करने के लिए एक बॉल पर पहले डाल दिया राइस फ्लावर और साथ में बेसन। फ्रेंड्स, याद रखना बेसन से ज़्यादा राइस फ्लावर ही लेना। राइस फ्लावर ज़्यादा लेने से हमारा पकौड़े क्रिस्पी बनेगी। और साथ में मैं यहाँ पर डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ग्रीन चिली और अदरक की पेस्ट। सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर डाल देती हूँ पानी। यहाँ पर मैं ठंडा पानी यूज़ किया। पानी को धीरे धीरे यहाँ पर डालिए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिए। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से बैटर की गाढ़ापन ठीक नहीं रहेगी और ये पकौड़े क्रिस्पी करने के लिए बैटर को मीडियम गाढ़ापन से तैयार करना है। बैटर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया और फेंटने के समय भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था। आप लोग देख रही है बैटर की गाढ़ापन मीडियम है। अभी हम एक फूल को बहुत ही अच्छी तरीके से बैटर में डिप कर लिया और कढ़ाई में ऑयल गर्म करके वहाँ पर डाल रही हूँ। इस तरीके से एक एक करके मैं यहाँ पर तीन फूल को बहुत ही अच्छी तरीके से बैटर में डिप करके डाल दिया। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पहले कुछ समय के लिए फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड जब मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है, तब इसको क्रिस्पी करने के लिए लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। दोनों साइड बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी होकर फ्राई हो गया। अब इसको उतार लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगे तो घर पर एक दिन जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।